हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो लैब से रिलेटेड है और ये लैब वीडियो स्विच का नेक्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे डेंसिटी टेस्टिंग के लिए। आप ये सामने देख रहे हैं, ये सिटी टेस्ट करने के लिए मशीन है, इसको हम लोग वेंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए कि डेंसिटी चेक करने के लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप लोग देख लिया कि ये जो है एक मशीन है, वेट मशीन है। इसमें हम लोग को आवश्यकता पड़ता है, ये एक पॉट है, इसमें हम लोगों को लिक्विड की आवश्यकता होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये पॉट है और इसमें हमने मिनरल वाटर डाल रखा है। मिनरल वाटर क्यों डाल रखा है दोस्तों? क्योंकि हमें पीवीसी पाइप का ये आप लोग देख रहे हैं, ये सैंपल है, पीवीसी पाइप का डेंसिटी चेक करना है। और इसका जो डेंसिटी होता है दोस्तों, एक से ज़्यादा होता है और वाटर का डेंसिटी जो होता है वो एक होता है। इसलिए पीवीसी का डेंसिटी चेक करने के लिए हम लोग मिनरल वाटर का यूज करते हैं। यही अगर आपके पास एचडीपी पाइप रहता तो उसको हम लोग मिनरल वाटर में नहीं चेक कर सकते। क्यों? क्योंकि एचडीपी पाइप का जो डेंसिटी होता है वो एक से कम होता है और आपका मिनरल वाटर का डेंसिटी एक होता है, जिससे क्या होगा कि आपका एचडीपी पाइप है वो इस वाटर में नीचे नहीं डूब पाएगा, ऊपर तैरते रह जाएगा और लिक्विड में आप वेट नहीं ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग एन ब्यूटाइल एक केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम मिनरल वाटर से काम चला लेंगे क्योंकि हमें पीवीसी पाइप का टेस्टिंग करना है। और दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए और हम एक ऐसा टेक्निक बताएंगे ना जिससे आप मात्र एक मिनट से कम में पाइप का डेंसिटी निकाल लेंगे और वो भी ऑटोमेटिक इस मशीन से। आपको कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आना है यहाँ मशीन का पावर ऑन, एक मिनट के अंदर इसका डेंसिटी निकालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मशीन को। ये देखिए, पावर ऑन का बटन दबाया और ये आपका आ रहा है। इसको हम लोग जीरो होने तक वेट करेंगे। जब ये जीरो हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। अभी आपका मशीन जो है स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो गया और आप देख रहे हैं कि इसमें ये जीरो दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको डिस्प्ले पे दिखाइए, जीरो जीरो दिखाई दे रहा है। ये जो मेरा वेंग मशीन है, ये इसका मैक्सिमम जो है 80 ग्राम है और मिनिमम जो है 0.1 मिलीग्राम तक इसमें वेट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग डालते हैं इस सैंपल को। देखिए दोस्तों, डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सैंपल को क्या करना है कि वेट में इसको एयर में वेट करना है। इसको ऊपर रख के इसका वजन लेना है। ठीक है, ये ऊपर रख के हमने इसका वेट किया और धीरे से इसका डोर को जो है बंद कर देना है और देखेंगे कि इसका वेट कितना है। ये देखिए, आपके सामने वेट दिखाई दे रहा है और ये जो वेट है ये एयर में वेट है, एट वेट इन एयर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें देखिए सेटअप और इंटर का बटन दबा दिए। इससे क्या होगा कि फर्स्ट डाटा जो है आपका जो एयर में इसका वेट है वो मशीन में सेव हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर का ये डोर धीरे से इसको ओपन करेंगे और इसको दोस्तों ऐसे पकड़ के और एकदम आसानी से इसको धीरे से इसको लिक्विड में जो आप हैंगर हैंग किए हैं उसमें रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों हमने क्या किया कि इसको बंद कर दिया। अब देखिए, अब ये जो वेट है, वेट इन लिक्विड है और लिक्विड जो है हमारा मिनरल वाटर है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो फर्स्ट में किए थे सेटअप और इंटर दबाएंगे और ये जो आपके सामने निकल के आ गया वो इस सैंपल का डेंसिटी है 1.4642। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा ये वीडियो देखकर। मात्र एक मिनट से कम में आप किसी भी मटेरियल का इसमें डेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो देखकर भाग जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप टाइम टू टाइम देखते रहें तो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको एक थप्पड़ मार के निकल जाइए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।